शाह परिवार में हलचल मची हुई थी। परितोष के मन में गुस्से और नाराजगी का तूफान था। उसे लगने लगा था कि उसकी माँ अनुपमा का महान बनने का जुनून उनकी मेहनत और कारोबार को बर्बाद कर रहा है। अपने भीतर की कुंठा को दबाए हुए उसने एक दिन फैसला कर लिया कि वह इस कारोबार से अपना हिस्सा निकाले। आखिरकार उसे अपनी बेटी परी का भविष्य देखना था। वो लीला के सामने अपनी दिल की बात कहता है, माँ ये कारोबार मुनाफे के लिए है, शोहरत के लिए नहीं। अनुपमा को समझ क्यों नहीं आता? लीला उसे चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन परितोष का गुस्सा थमता नहीं। इस बीच प्रेम शाह परिवार का रजिस्टर देखना चाहता है। परितोष, जो पहले से ही भरा बैठा था, अपने उसूलों और अधिकारों का हवाला देते हुए प्रेम को झिड़क देता है। प्रेम का भी सब्र टूट जाता है और वो गुस्से में दीवार पर घूंसा मारता है। दीवार की ठंडी सतह पर उसका हाथ चुभता है, पर शायद उसके दिल की चुभन उससे कहीं गहरी थी। इतने में माँ ही वहां पहुंचती है। उसकी गोद में अंश के लिए दवाइयां होती हैं। प्रेम उसे देखकर ठिठकता है और मुस्कुराकर कहता है, तुम सच में दिल की बहुत अच्छी हो माही। इस एक बात से माही के मन में एक नई आशा जाग जाती है। क्या प्रेम के दिल में भी उसके लिए कुछ है? वो खुद को दिन भर प्रेम के बारे में सोचने से नहीं रोक पाती, जैसे कोई खोया हुआ बच्चा एक उम्मीद की किरण पकड़ लेता। परिवार में हलचल यही नहीं थमती। ईशानी और परी के बीच आधार्या को लेकर तनातनी होती है। ईशानी को लगता है कि आध्या की मौजूदगी ने अंश की जिंदगी में उलझने बढ़ा दी है, जबकि परी आध्या का पक्ष लेती है। परी का कहना है कि आध्या ने हमेशा अंश की मदद की है। दोनों बहनों के बीच ये तकरार उनके रिश्ते की नाजुक डोर को और खींच देती है, पर थोड़ी देर बाद वो आपस में सुलह कर लेती है। उधर माही की उलझने बढ़ती जा रही थी। एक तरफ प्रेम की हल्की सी मुस्कान उसके दिल में हलचल पैदा कर देती थी, तो दूसरी तरफ उसे ये डर भी सताता था कि आध्या की वजह से वो खुद अनुपमा और अंश के करीब नहीं रह पाएगी। उसे याद आती है ईशानी की वो बात, कोई आध्या की जगह नहीं ले सकता। ये ख्याल माही को अंदर से तोड़ने लगता है। उसे महसूस होता है कि आध्या की मौजूदगी उसके अपने रिश्तों में दरार डाल रही है। परिवार के सदस्यों का नाराज होना भी अनुपमा पर भारी पड़ता है। पाखी, डॉली, परितोष और किंजल सब मिलकर उसकी आलोचना करते हैं। उनके ताने और शिकायतें अनुपमा के दिल को अंदर तक चीर देते हैं, पर वो अपने परिवार के लिए हर दर्द सहने के लिए तैयार है। इसी बीच माही के मन में प्रेम के प्रति उसकी भावनाएं और गहरी होती जा रही हैं। हर छोटी बात पर वो सोचती है कि शायद प्रेम भी उसे पसंद करता है, लेकिन अपने दिल की बात कहने की हिम्मत वो नहीं जुटा पाती। एक रोज प्रेम उससे मदद मांगता है तो माही का दिल और तेजी से धड़कने लगता है, मानो यही उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल हो। आखिर में अनुपमा को एहसास होता है कि माही आधार्या की वजह से अपने रिश्तों में खुद को कमजोर महसूस कर रही है। वो अंश से इस बारे में बात करती है और उसकी बातें सुनकर अनुपमा का दिल एक चिंता से भर जाता है। उसे डर है कि आध्या कहीं आर्थिक रूप से मजबूत होकर उन्हें छोड़ ना दे, क्योंकि उसका साथ शाह परिवार को एक स्थिरता देता है। शाह परिवार की इस कशमकश में रिश्तों की जंग जारी है। क्या माही अपने दिल की बात प्रेम से कह पाएगी? क्या अनुपमा अपने परिवार को एक साथ रख पाएगी? या इन रिश्तों की डोर एक दिन टूट जाएगी?